और पप्पू यादव के इस पसीना को देख करके बिहार के और सभी तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को सीखने की जरूरत है। और एक और चीज देख लीजिए, जरा दिखाइए यहाँ पे, इनके पैर में फ्रैक्चर भी है और इस फ्रैक्चर की स्थिति में भी जब यहाँ पे पहुंच के परिजनों से मिल सकते हैं तो पक्ष और विपक्ष के नेता एक ट्वीट तक क्यों नहीं करता इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद में, जो सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे नेताओं से जब तक बिहार के नेता नहीं सीखेंगे तब तक बिहार का विकास और बिहार में बदलाव होने वाली नहीं है, ये बातें 100% गारंटी है। यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन जब तक सुबोध यादव जी जिंदा थे और प्रशासन से लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे तो एक डंडाधारी पुलिसकर्मी भी यहाँ पे नहीं आया उनके सुरक्षा के लिए। और उनकी हत्या के बाद पूरे गांव की तस्वीर देख लीजिए जाकर के, हर चौक चौराहे गली की तस्वीर देख लीजिए, हर जगह पे प्रशासन की लोग AK-47 न जाने कौन कौन से हथियार लेकर के खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल तो बनता है, और सवाल इसलिए बनता है कि जब जीवित व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दिया गया तो उनके मरने के बाद क्या उनके मृत शरीर को सुरक्षा देने के लिए यहाँ के प्रशासन आई है, जो सबसे बड़ा सवाल। और घटना केवल यहाँ का नहीं है, तमाम सभी लोग सुन रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन के लोग भी हैं। और प्रशासन के लोगों के सामने मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जब तक कोई आम आदमी या कोई भी नेता अपनी सुरक्षा की मांग करता है तो जब तक जिंदा होता है तब तक ये बंदूक वाले पुलिसकर्मी उसके सुरक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? और जैसे उनकी हत्या हो जाती है हजारों पुलिसकर्मी को उतार करके पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, हर एक गली में पुलिस लगा दिया जाता है और चौराहे पर चौकी रख के पुलिस बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सवाल उठाना तो बनता है। और इनके जैसे नेता से सभी नेताओं को सीखने की जरूरत है और पसीना बहा करके ग्राउंड जीरो पे आकर के और इनके जैसे सभी लोगों का हालात जानने की जरूरत है। और जब तक बिहार के नेता जगेंगे नहीं और अपनी मानवता को जगाएंगे नहीं तब तक इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहेगी। इस कंट्री के बाहर स्किल की बात करता है दुनिया, 10 लाख रुपया कहाँ से कमाएंगे उसकी बात करता है, हमारे यहाँ सोसाइटी सुबह से शाम सिर्फ समाज को बांटने की बात करता है और अपने जाति के नेता को प्रोटेक्ट करता है। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा जाति, तो अपराधी जात में एस्टेब्लिश्ड हो गया है, अपराधी हिंदू मुसलमान में एस्टेब्लिश्ड हो गया है, अपराधी भूमिहार यादव राजपूत कोरी कुर्मी में एस्टेब्लिश्ड हो गया है। इसलिए अपराधी को मारना बहुत दिक्कत है नेताओं के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वोट हमें इसी से मिलती है, सोसाइटी से नहीं। हम जिस दिन आएंगे 72 घंटे में के अंदर 3 केस मर्डर का और अपराध का बलात्कार का जिस पर होगा शूट एंड साइट करेंगे, जो समाज का निर्माण, आप बेफिक्र रहिए, समाज का निर्माण और विकास और, करता है उसकी। और इस पूरे समाज की बात किया जाए, पूरे बिहार की बात किया जाए तो आप पे सर, जी आपकी किसकी और पूरे बिहार के लोगों को पप्पू यादव पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है, नहीं पूरे बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सर बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग एक ही जगह पे हर बार मिलते, हर उस जगह पे मिलते जहाँ पे हत्या होती है, लेकिन इसका रोकने का कोई जो उपचार है सरकार क्यों नहीं ढूंढती है? और प्रशासन को लोगों को पता होता है, सभी लोगों को पता है, परिवार से पीछे, जी इसीलिए नहीं मतलब है, एक मिनट सर, सुबोध जी के लोगों को पता है, जी इसीलिए हम लोग हमेशा इसी पर मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हत्या वोट का मुद्दा नहीं है, बलात्कार वोट का मुद्दा नहीं है, जमीन बालू शराब ड्रग्स माफिया वोट का मुद्दा नहीं है। जो जितना ताकतवर वो उतना बड़ा नेता, आप इसको ऐसे क्यों नहीं बार बार कह रहे हैं कि एक जाति यदि वो बड़ा अपराधी और माफिया हो गया तो अपनी जाति में एस्टेब्लिशमेंट उसकी हो गई, तो ये सोसाइटी प्रोटेक्ट करती है अपराधियों को, इसको आप लिख लीजिए। सर ऊपर से नीचे एक ही हाल है, ये भीड़ मात्र 2 दिन आपको दिखेंगे, फिर 1 दिन भोज में दिखेंगे। सर मैंने 1 दिन में 40 हत्या देखता हूँ, क्या हुआ ऊपर मुख की हत्या हमने गिरफ्तार करवाया आप ही के यहाँ दिल्ली से, थोड़ा दोनों की ऊपर मुख साहब की हत्या के बारे में, और दोनों हत्या में उसी का निषाद में भी, वो ज्यादा में भी उसी का, एक ही लड़के का हाथ है, क्या वो उसको आप सजा दिलवा दीजिएगा, है औकात दिखा दीजिए, वही तो कमजोरी है सर, उसी पे तो हम बात करना चाह रहे हैं। सुनिए ना, जेल से एक्सटॉर्शन, जेल से मर्डर, मोतिहारी जेल से कितनी हत्या हुई सर, वो बच्चा जो आत्महत्या किया उसको न्याय मिलेगा? हर से दिन न्याय मिलेगा? अग्रवाल जी के लड़का, अग्रवाल जी को मार दिया ना, न्याय मिलेगा?
रामगढ़वा में हम गए कि नहीं गए, व्यवसायी के जहाँ पहुंचे लेफ्टिनेंट के हम गए कि नहीं गए, तो आप किसके यहाँ? सुबोध जी के मामले में आर पार हम लड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा, हम आपको दिखेगा।